हेलो गाइस, वेलकम टू यूसीए एडू और आप हैं एस.पी.राज सर के साथ। मैं आपको बताने वाला हूं आज एक लेसन की हिंदी और उस लेसन का नाम है चॉकलेट। चॉकलेट लेसन लिया गया है बीए फर्स्ट ईयर प्रोग्राम इंग्लिश कोर्स का नाम है फ्लुएंसी इन इंग्लिश ए दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चॉकलेट लेसन की जो कहानी है एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पत्नी अपने पति से बदला लेती है और चॉकलेट इस कहानी के अंदर एक सेंट्रल करेक्टर बन जाता है, यानी इस कहानी का मुख्य करेक्टर चॉकलेट है। चॉकलेट जो खाने वाली चॉकलेट होती है, जो बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। इस कहानी में दो मेन करेक्टर हैं, तारा और उसका पति अभय। तो अभय जब भी बाहर जाता है, यूरोप के टूर पर जाता है या कहीं और भी बाहर जाता है, तो अपनी पत्नी के लिए ब्रांडेड चॉकलेट्स लेकर आता है। तारा उन सारी चॉकलेट्स को फ्रीज में रख देती है और धीरे धीरे उन चॉकलेट्स को खाती रहती है। अब जैसे तारा धीरे धीरे चॉकलेट्स खाती रहती है, यह उसकी रोज़ की आदत बन जाती है और उसका चॉकलेट के लिए लालच और बढ़ता चला जाता है और वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है। एक दिन तारा बहुत मोटी हो जाती है तो चलने में उसे प्रॉब्लम आती है और वो ठीक तरह से नहीं चल पाती है। तो अभय उसका मजाक बनाता है, लेकिन तारा को ये सब बात बहुत बुरी लगती है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि अब है उसका पति है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती है। ये सारी बातें उसे बुरी लगती हैं, मनी मन सहन करती रहती है। अब कहानी थोड़ा बैक में जाती है तारा के बचपन के दिनों की तरफ। तारा के बचपन के दिन की बात करते हैं। जब तारा छोटी थी, 3 साल की थी, तब उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन एक गर्ल्स स्कूल में करवा दिया गया था। तो उसने 12वीं तक पढ़ाई की उस स्कूल में और उसके बाद जब वो 17 साल की हुई तो उसने एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और उसने इंग्लिश ऑनर्स लिया। इंग्लिश ऑनर्स इस वजह से लिया कि उसके अंदर स्टोरीज होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स में उसे लगता था कि इसमें कोई कहानियां नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी माँ से शिकायत करती थी कि उसके टीचर्स उससे उम्मीद रखते हैं कि वो हार्ड वर्क करे अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन तारा को मेहनत करना पसंद नहीं था। इसलिए तारा कभी कभी क्लास बंक करती थी तो कभी सिनेमा हॉल में जाती थी अपने दोस्तों के साथ, कभी रेस्टोरेंट में जाती थी। तो इस तरह से जब उसका ग्रेजुएशन फाइनल चल रहा था तो तारा के लिए एक रिश्ता आया और वो रिश्ता था अभय का। तो घर वालों ने देखा कि अभय एक अच्छा लड़का है और रिश्ता अच्छा है, तो उन्होंने रिश्ता तय कर लिया और यह तारा को बता दिया गया। उसके बाद तारा की अभय के साथ शादी कर दी गई। तारा जब हनीमून से वापस आई तो उसे पता चला कि वो पास हो चुकी है, लेकिन थर्ड डिवीज़न से पास हुई है। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि तारा के ससुराल वाले एक बच्चे के लिए चिंता करने लगे, क्योंकि अगर कोई घर में एक छोटा बच्चा आए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तारा की जो शादी हुई थी अभय के साथ थोड़ा टाइम गुजर चुका था, इसलिए ससुराल वालों को अब एक बच्चे की आवश्यकता थी। तो जब पता चला कि तारा एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती,
तो कहानी कुछ बदल जाती है। तारा को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि तारा तो बिल्कुल ठीक है, तारा के अंदर कोई कमी नहीं है। उन्होंने तारा से कहा कि आप अपने पति को अभय को भेजो, क्या पता उसके अंदर कमी हो कुछ। लेकिन तारा तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको समझाया। तो तारा जब घर आई तो तारा ने अपने पति को बहुत समझाया और कहा कि आप एक बार चेकअप करा लीजिए। जब अभय ने अपना चेकअप कराया तो उसके अंदर कमी निकली, वो कभी फादर नहीं बन सकता था। अभय को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, वह डॉक्टर पर बहुत नाराज़ हुआ और वो घर वापस आ गया। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। तारा को सलाह दी गई कि तारा की मदद अब या तो मेडिसिन कर सकती हैं या कोई देवी शक्ति कर सकती है। इसलिए तारा को सलाह दी गई कि वो वैष्णो देवी जाए और अपने हाथ और पैरों के बल पर चले और मंदिर में देवी के दर्शन कर आए। तारा ने सलाह मान ली और वह वैष्णो देवी गई, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद तारा को बताया गया कि आप ऐसा करिए कि कुछ स्टोन्स होते हैं तो वो पहन लीजिए। तारा ने कुछ स्टोन्स पहने उंगलियों में और गले में, लेकिन उन स्टोन्स का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो तारा बहुत उदास होती चली गई, मन ही मन दुखी रहती थी, परिवार भी उदास था। तारा के ससुराल वाले, तारा के घर वाले सभी परेशान थे, लेकिन अभय को अभी भी कोई फ़र्क नहीं था। अभय तारा को लगातार चॉकलेट खिलाता रहा। तारा उसका मोटिव यानी उसका लक्ष्य नहीं समझ पाई कि वो उसे इतनी चॉकलेट क्यों खिलाता है। एक दिन तारा को अपने पति पर शक हुआ और उसने उसकी जांच करना शुरू कर दी। तो तारा को जांच में पता चला कि उसका पति अभय किसी और पत्नी से प्यार करता है, किसी और की पत्नी से प्यार करता है, किसी और औरत को चाहता है। तो जैसे ही तारा को पता चला कि उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत है, तो तारा बहुत दुखी हुई, अंदर से टूट गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। तारा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा कि एक इंसान के जो दिल का रास्ता होता है, एक मेल के दिल का रास्ता होता है, पेट से होता है, तो वो अपने पति को वापस प्राप्त कर सकती है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा उसको। तो तारा ने क्या किया, अपने पति को वापस प्राप्त करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। तारा ने प्लान बनाया कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने का। उसने सोचा अगर वो अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी तो शायद अभय घर पर खाना खाने लग जाएगा, तो वो धीरे धीरे उसके पास आने लग जाएगा। तारा का कुछ ऐसा प्लान था। तो तारा ने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और वहाँ पर अच्छे से अच्छा खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाना सीख लिया तारा ने, बहुत अच्छा खाना बनाना सीखा और उसने अभय के लिए खिलाया। अभय को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, तो धीरे धीरे अभय घर के खाना खाने का आदि होने लगा और वो इतना घर का खाना का आदि होने लगा कि वो अपने दोस्तों को भी लाने लगा, क्योंकि तारा खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी। अब तारा क्या करती थी कि उसका मोटापा बढ़ाने के लिए, यानी अभय का मोटापा बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ क्रीम, कुछ बटर एक्स्ट्रा मिला दिया करती थी खाने में। तो अभय का धीरे धीरे वेट बढ़ने लगा और दूसरे लगी।
और उसने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। जितनी चॉकलेट थी वो सारी फेंक दी उसने, और धीरे धीरे तारा का वजन घटने लगा और वह सलवार पहनने लगी, उसने साड़ी पहनना छोड़ दिया। अब तारा पतली हो गई, स्लिम हो गई बिल्कुल, अब अच्छी लगती थी, वो खुश रहने लगी, लेकिन उसका पति मोटा होने लगा। अब वो खाते खाते इतना मोटा हो गया कि वो जैसे पहले तारा चला करती थी वैसे ही वो चलने लगा। तो तारा मन ही मन हंसती थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अब अभय का जो संबंध था दूसरी औरत के साथ वो टूट गया, क्योंकि अभय बहुत बेकार दिखने लगा। अब अभय का संबंध जब टूट जाता है दूसरी औरत से तो अभय बहुत दुखी हुआ और घर पर ही रहने लगा, खाना खाने लगा और स्पाइसी खाना मांगने लगा, और इस तरह से अभय की घर की आदत पड़ गई और वो बहुत रोने लगा, दुखी रहने लगा। तारा ने उधर एक चाल चली कि अभय का एक दोस्त था उससे फ्रेंडशिप कर ली और उसके साथ उसने संबंध बना लिए, और लेकिन उसने कोई सावधानी नहीं बरती क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। जब तारा प्रेग्नेंट हो गई तो तारा को लगा कि अब उसका काम हो गया है, तो उसने अभय के दोस्त से कहा कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे संपर्क में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यह बात अभय को पता चल चुकी है। तो उससे उसने मना कर दिया कि अब आना जाना आप बंद कर दीजिए। तो तारा जब प्रेग्नेंट हुई तो सबको पता चला कि तारा प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो सब खुश होने लगे, तारा खुश होने लगी। लेकिन अभय खुश नहीं हुआ, वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे पता था कि वो बाप नहीं बन सकता है। तो उसने तारा की जांच करना शुरू कर दिया कि कहीं इसका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है। लेकिन जब उसने जांच की तो जांच में कुछ मैटर नहीं मिला, तो अभय कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तारा जब प्रेग्नेंट हो गई तब उसने बताया कि तुम्हारी, यानी अभय को बताया कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो गई है इसलिए वो माँ बन गई है। लेकिन अभय अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि यह बच्चा उसका है। उसके कुछ समय बाद तारा के एक लड़की पैदा हुई और तारा बहुत खुश हुई, घर में खुशियों का माहौल छा गया, और तारा ने डिसाइड किया कि इस लड़की को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है ताकि वह सेल्फ डिपेंड बन सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे लिखें, और इसमें कुछ कमी नज़र आई हो तो कमेंट में मुझे लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इस लेसन में से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि तारा ने अपने पति से बदला कैसे लिया। क्वेश्चन होता है कि हाउ डिड तारा टेक रिवेंज ऑन हर हस्बैंड। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, और एक क्वेश्चन बनता है कि तारा ने माँ बनने के लिए क्या किया। तो व्हाट डिड तारा डू टू बिकम अ मदर। और भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब तारा को अभय के अफेयर के बारे में पता चला तो तारा ने क्या किया। व्हाट डिड तारा डू व्हेन शी केम टू नो अबाउट अभय's अफेयर विद अदर वुमेन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तारा ने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन क्यों की। Why did Tara join cooking classes? तो यह क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें इसके, और अगर किसी आंसर की आवश्यकता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें।
Okay, thank you very much for watching my video.